हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की, इसके चार्ट एनालिसिस, बाइंग लेवल्स जो इसमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, उसके बाद ये इसमें गिरावट हुई है, उसके बाद ये हमारे रडार में आया है। तो मैं बताऊंगा आपको कि किस लेवल्स पे आपको ये बाय करना है और किस कितने टाइम तक के लिए आपको बाय करके रखना है। आइए इससे हम पहले हम मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से जो भी मैं मार्केट आवर में इंफॉर्मेशन देता हूँ बाइंग सेलिंग रिगार्डिंग और जो भी स्टॉक रिगार्डिंग न्यूज़ में रहती हैं वो मैं सारी आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। आगे हम बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो ये देखिए, ये 13,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, शानदार स्टॉक है ये। अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो बिल्कुल वन के ऊपर मैं अच्छा डिविडेंड मानता हूँ, वन के ऊपर डिविडेंड देता है। अगर हम बात करेंगे इसके इंडस्ट्री की पीई की तो 28 की है और ये आपको मिल रहा है बहुत ही सस्ते रेट्स पर 9 की पीई पे। तो आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल ही बहुत ही शानदार रेट्स पर मिल रहा है, 9 की पीई पे मिल रहा है ये आपको। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 16 है। आगे हम बात करेंगे इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 63 की प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके सारे कुछ के फंडामेंटल्स के मैं वीडियो बनाने जाऊंगा आगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो हमें मोटिवेट करता है। आगे मैं बात करूंगा वन डे के चार्ट पैटर्न की। देखिए, जो लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन था उसने 166 का हाई बनाया था, लो बनाया था 156 का और -3.47% के रिटर्न दिए थे। ये एक मिड कैप कंपनी है, थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर है, लेकिन गोल्ड की जरूरत जो इस गोल्ड से रिलेटेड है, अगर हम बात करेंगे गोल्ड की तो दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें अच्छा खासा लोग इसको इंटरेस्टेड रहते हैं। ये हो गया मुथूट फाइनेंस, हो गया मन्नापुरम। अगर हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम के कंपैरिजन में, तो मैं मन्नापुरम को ज़्यादा के जो के फंडामेंटल्स के वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये अच्छी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है और हमें एक अच्छे रेट्स पे मिलेगा, वही स्टॉक हमको चुनना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे इसके वन वीक के चार्ट पर, देखिए -11% के रिटर्न दिए हैं, 11 से 12% ये टूट चुका है एक वीक में ही, तो आपको ये अच्छी खासी गिरावट पर मिल रहा है। आप इसमें बिल्कुल अभी बाइंग नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस लेवल पर बाय करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल में लगातार अपडेट करता रहता हूँ। अगर हम बात करेंगे इसके वन ईयर के चार्ट पर, देखिए वन ईयर में इसने 8% के रिटर्न्स दिए हैं, जो बहुत ही शानदार हैं। कोरोना टाइम पे ये यहाँ पर गिर गया था, उसके बाद देखिए एकदम ये अपने जो 52 वीक का हाई था उसके आसपास पहुँचा था, अब ये फिर से इसमें फॉल आया है। हो सकता है आपको और गिरावट में मिलेगा। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो लगातार आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही होगी। प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो इसमें भी आपको प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे, फाइनेंशियल्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एकदम पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर हम इसके सेल होल्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 35% जो है प्रोमोटर्स के पास है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो 8-9% है, डोमेस्टिक के बाद 9-10%, FIIs के पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं जो है 38.737% के। तो FIIs इसमें अच्छी खासी इंटरेस्टेड है, मतलब ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। अदर पार्टीज़ के लिए आप देख रहे होंगे 16.74% के। जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो ज़्यादा खासी नहीं है, जो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखिए हम इसके लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़ी सी जो इसके थोड़ा सा लो प्लेज होल्डिंग्स इनसफिशिएंट है, अगर हम इनसिग्निफिकेंट है। अगर हम बात करेंगे इसके म्यूचुअल फंड में, जो उसका इसके लिए मैंने आपको ये बताने के लिए डाला है कि म्यूचुअल फंड में देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने इसमें स्टैक बढ़ाया है और FIIs ने इसमें से स्टैक निकाला है, उसके बाद भी FIIs ने सिर्फ 1% का स्टैक निकाला है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लगभग 1.5% का स्टैक इसमें बढ़ाया है। देखिए म्यूचुअल फंड्स ने किस तरीके से बढ़ाया था, दिसंबर से लेकर मार्च में, जब ये मार्च में कोरोना टाइम पर गिरा हुआ था स्टॉक, तब देखिए कितना ज़्यादा बाइंग की गई थी। फिर उसके बाद जून में भी उन लोगों ने बहुत सारी बाइंग की है, तो इससे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन की इसमें अच्छी खासी इसमें बाइंग की है। FIIs ने तो सारी जगह से पैसा निकाला, तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम स्मॉल केस की बात करेंगे तो सब ने इसको बहुत अच्छी रेटिंग्स दे के रखी है, लगभग 20% के आसपास सारे स्मॉल केस ने। आप में स्मॉल केस आप नहीं जानते होंगे तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, जो कुछ स्टॉक्स को कुछ परसेंटेज देते हैं कि इतना इतना परसेंटेज ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 100 में से। तो इसको भी 20% के लगभग दिया हुआ है लोगों ने। अगर हम बात करेंगे लास्ट डे की ड्रेल डिलीवरीज़ की, तो डिलीवरीज उतनी खासी नहीं है, 22% की डिलीवरीज हैं, ये उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं 25 के ऊपर डिलीवरीज़ को अच्छा मानता हूँ। आप इसमें वेट कीजिए, मैं आपको अभी चार्ट में सारा बताऊंगा कि कितने लेवल्स पे आपको बाय करना है। अगर देखिए ये एनालिस्ट की बात करेंगे तो लोग इसको बाय के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप बाइंग कीजिए, लेकिन इस लेवल पे नहीं ख़रीदना है, क्योंकि इसने अभी अभी आप देख रहे होंगे चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा, इसने अभी अभी ओ, ओ,
ये देखिए, इसने अभी अभी अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा है। 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद ये स्टॉक एकदम बेरिस मोड में चला गया है और हो सकता है ये यहाँ से फॉल कर जाए, और हो सकता है कि डेफिनेटली ये फॉल करेगा। और ये नीचे के लेवल्स पे आपको बहुत ही शानदार लेवल्स पे मिल रहा है। हम बहुत टाइम से इसमें वेट कर रहे हैं, मुथूट और मन्नापुरम दोनों में वेट कर रहे हैं, अभी तक बाइंग नहीं की थी। लो कोरोना टाइम पे लोगों ने की थी, उसके बाद से फिर जो ये स्टॉक उठा है उसके बाद कोई भी बाइंग नहीं हुई है इन दो महीने में। तो अभी हम वेट करते जा रहे थे, हमें थोड़ा और वेट करना है। हम जो लेवल्स बताएंगे, देखिए ये जब से इसने मूविंग एवरेज तोड़ा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद से देखिए लगातार इसने एक और रेड कैंडल बनाई है। उसके बाद हो सकता है ये आपको इस लेवल्स पे मिलेगा। ये जो लेवल्स हैं ये बहुत ही शानदार लेवल्स होंगे इसके, इसी लेवल्स पे आपको खरीदना है। इसके पहले आपको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। जिस लेवल्स पे मैं बता रहा हूँ उस लेवल्स पे खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, यहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा ये स्टॉक। और अगर हम बात करेंगे MACD की, तो MACD में देखिए इसने बेरिस क्रॉसओवर दिया है, यहाँ से ये अच्छा खासा फॉल आ सकता है इसमें। अगर हम बात करेंगे RSI की तो 45 है, लेकिन यहाँ से डाउन जाएगी तो आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। तो मैं स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपको अगर ये स्टॉक खरीदना भी है तो आप वेट कर सकते हैं 135 या 140 के आसपास आप इसको बाय कीजिए। आप इसमें GDT लगा के रख सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं 135-140 के आसपास, मतलब आपको ये 140 के नीचे खरीदना है जहां पर ये बहुत ही शानदार इसका सपोर्ट लेवल है। मैंने जो ये बताया, ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, इसका बहुत ही शानदार सपोर्ट लेवल है। यहां पे आप जाके बिल्कुल यहां से, क्योंकि लगातार इसने बिल्कुल लगातार चढ़ते ही गया था, ये 20 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा था, लगातार चढ़ते ही जा रहा था। फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद इसने 20 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और अब ये आपको देखिएगा गिरावट में दिखाई देगा। तो आपको ये बाय ऑन डिप्स करना है, तब आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा आके जाके। आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, अगर ये 140 के आसपास आपको मिलता है तो बिल्कुल इसमें बाइंग कीजिए, और बहुत सारी बाइंग करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। अगर हम बात करेंगे इसके 1 आवर की चार्ट पैटर्न की, तो 1 आवर के चार्ट पैटर्न में देखिए, 1 आवर के चार्ट पैटर्न लगातार इसने रेड कैंडल बनाई है। अगर एक और अच्छी खासी इसमें देखने लायक बात है, देखिए इसमें जो लास्ट टू, ये देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट आप इसमें देख रहे होंगे सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं वॉल्यूम में, तो ये शो कर रहा है कि लोग इसमें सेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें अभी भी बाइंग करने की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मत देख नहीं देखनी है, 135 के लेवल के आसपास ही आपको इसमें बाइंग करनी है। बिल्कुल रेड कैंडल बनती जा रही है वॉल्यूम में, ये शो कर रहा है कि यहाँ से ये अच्छा खासा गिरावट आ सकती है, इसमें लोग पैसा निकाल रहे हैं इसमें से। अगर हम बात करेंगे ये 1 आवर के चार्ट पैटर्न की, ये भी सारा बेरिस दिखा रहा है। अगर RSI की बात करेंगे, MACD और ये जो इसमें फॉल आया इसके बाद अच्छी खासी वॉल्यूम में लोगों ने इसमें से सेलिंग की है, तो आप इसमें वेट कीजिए। और मैंने जो लेवल्स बताए उनको लिख के रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट, जो भी क्वायरी आपकी है कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।